तो क्या होगा अगर हमको एक घने जंगल में छोड़ दिया जाए जहाँ पर ना ही कोई विलेज है और ना ही कोई एनिमल। एनिमल होते भी है तो इतने कम कि ढूंढने पे भी नहीं मिलते, तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? तो डे वन की शुरुआत होते हैं, मैंने वुड काटना स्टार्ट कर दिया। वुड को काट के मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाया। क्राफ्टिंग टेबल को बनाने के बाद में मैंने अपने बेसिक टूल बनाए। बेसिक टूल को बनाने के बाद मैं सीधा चले गया केव में। केव में मुझे बहुत सारा कोल मिला तो मैंने कोल को भी काटा। कोल को काट के मैं सीधा चले गया केव से बाहर। बाद में मुझे वहाँ पर ऊपर वाटरमेलन मिले तो मैंने वाटरमेलन को काट डाला। और मुझे आयरन की भी ज़रूरत थी तो मैंने आयरन को भी काटा। डे वन पे ही मैं सोच रहा था कि अपने टूल्स को आयरन में कन्वर्ट कर दूँ, इसलिए मैंने आयरन को काटा। डे टू की शुरुआत में मुझे एक जोम्बी मिला तो मैंने जोम्बी को भी उड़ा दिया। बाद में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया एरिया तो वहाँ पर मुझे और भी आयरन मिला। आयरन को कलेक्ट करने के बाद मैंने उसको फर्नेस पे स्मेल्ट के लिए रख दिया था। मैंने पूरी की पूरी रात डे टू की फर्नेस पे स्मेल्ट के लिए लगा दी। डे थ्री की शुरुआत पे मुझे काव मिली तो अपने खाने के लिए काव को मैंने मारना स्टार्ट कर दिया था। और मुझे कुकीज़ के लिए कोका बीन भी चाहिए तो मैंने कोका बीन को भी कलेक्ट किया। डे फोर की शुरुआत पर मैंने पिग को मारा और वहाँ पर बहुत सारे पिग और शीप भी थे तो मैंने उसे सब को मारा। डे फोर की रात पे मैंने एंडरमैन को भी मार डाला था। डे फाइव की शुरुआत पे मैंने एक मकड़ी देखा तो मकड़ी को मारने में मेरा आधा समय चला गया था। बाद में मैं अपने फार्म और अपने हाउस के लिए एक एरिया ढूंढ रहा था। और बाद में मैंने अपने फार्म के लिए अपना एक एरिया बनाने का स्टार्ट कर दिया था। और बाद में मैंने उसको होइस से यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, अपना खेती स्टार्ट कर दी। और वहाँ पर सीड और बोन मिल भी थे तो मैंने उसे उगाना स्टार्ट कर दिया। और बाद में मैंने अपने फार्म का एरिया थोड़ा बढ़ाया। और बाद में मैंने बहुत सारी सीड को भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और मैंने सारी की सारी सीड को यहाँ पर उगा दिया। बाद में फिर से वही से मैंने अपना फिर से कर दिया। बाद में सीड कलेक्ट करने में चला गया। डे सिक्स की रात होने वाली थी तभी मैंने सीड बहुत सारी लगा दी और बाद में मैंने एक बेस बनाया जहाँ पर हम पूरी की पूरी रात बिताने वाले थे। वन की सुबह मुझे एक काव मिली तो मैंने उसे मार दिया और वहाँ पर और भी काव थी तो मैंने उसे भी मारना स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमें खाने की भी ज़रूरत थी। और बाद में मुझे डे सेवन पे एक शिप मिल गई, वहाँ पर बहुत सारी शिप थी तो मैंने शिप को मार के वूल कलेक्ट कर लिया। और बाद में मैंने एक बेड बना लिया अपने लिए। डे एट की सुबह मैंने अपने घर जाने के लिए एक एंट्रेंस बना ली। बाद में उसके आगे दो डोर लगा दिए थे मैंने और वहाँ पर थोड़ी सी डेकोरेशन की मैंने। डे नाइन की सुबह होते हैं मैं एक्सप्लोर कर रहा था तभी मुझे वहाँ पर बहुत सारा कोल दिखाई दिया तो मैंने कोल को काटना स्टार्ट कर दिया। टेन होते ही मैंने अपने घर के लिए एक एरिया बनाना स्टार्ट कर दिया जहाँ पर हमारा घर बनने वाला था, जो कि बहुत ही बड़ा एरिया बनने वाला था। अपने पास और डर्ट थी तो मैंने बहुत सारा फार्म के लिए एरिया बढ़ाया क्योंकि अपने पास बहुत सारी डर्ट थी। बाद में मैंने अपने फार्म के चारों ओर मैंने फेंस लगाना स्टार्ट कर दिया। डे 11 होते ही मैंने अपने घर के लिए यहाँ पर वुड काटना स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमारा घर पूरा का पूरा वुड से बनने वाला था तो मुझे बहुत सारी वुड की भी ज़रूरत पड़ने वाली थी तो मैंने बहुत सारी वुड को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया।
वुड को काटने के बाद मुझे चाहिए थी और लीव्स, लीव्स को काटने के बाद मैं अपने घर के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी मैंने। बाद में डे 12 होते ही मैंने एक काव को देखा तो मैंने उसे वीट दिखा के अपने घर ले गया और काव और अपने चिकन के लिए यहाँ पर एरिया बनाना स्टार्ट कर दिया। और बाद में मैंने उससे अंदर बंद कर दिया दोनों को। बाद में मैं डे 12 की रात में गुजर रहा था तभी मुझे एक जंगल टेम्पल दिखा। डे 13 होते ही मैं सीधा चला गया जंगल टेम्पल में। वहाँ से मैंने चेस्ट लूटा और वहाँ से मुझे बहुत सारा गोल्ड मिला और बोन मिला और मैं घर जाते ही सीधा अपने फार्म पे लग गया। वहाँ पर अपने पूरी की पूरी वीट को काटा और बाद में सीड को लगाना स्टार्ट कर दिया था। डे 14 से 19 तक मैंने अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो आप लोग एंजॉय करिए अपने इस सॉन्ग के साथ अपने हाउस को। डे 20 होते ही मैं सीधा चला गया केव में और मुझे वहाँ पर बहुत सारा कोल मिला तो मैंने कोल को काटना स्टार्ट कर दिया था। मैं थोड़ा नीचे ही गया तभी मुझे एक आयरन दिखाई दिया और वहाँ पर दो आयरन थे तो मैंने उसे भी कलेक्ट कर लिया। डे 21 होते ही मैंने अपने फार्म पे जाके वहाँ पर अपने पास जितनी भी सीट थी तो मैंने उसे उगाना स्टार्ट कर दिया। डे 22 होते ही मुझे मिल गए अपने फाइनली डायमंड मिल गए थे तो मैंने डायमंड को तोड़ लिया और उसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और बाद में मैं घर गया और वहां से मैंने पिकेक्स बनाई डायमंड पिकेक्स और एक एक्स बना ली। और डे 23 होते ही मैंने चेस्ट को प्लेस कर दिया क्योंकि हमारा सामान भी बहुत बढ़ने वाला था तो मैंने चेस्ट लगा दी सारी। बाद में मुझे एक रून पोर्टल दिखाई दिया तो मुझे ऑफ्सीडियन की भी ज़रूरत थी तो मैंने सीधा का सीधा चला गया ऑफ्सीडियन कलेक्ट करने। और डे 24 होते ही मैंने अपने नेदर पोर्टल को एक्टिव किया और डे 25 होते ही मैं जैसे तैसे करके बच गया और बाद में मेरे पास डायमंड थे तो मैंने अपना आधा का आधा डायमंड का आर्मर बना लिया। और डे 25 पे मैंने अपना आर्मर पहन लिया। बाद में मैं अपने फार्म पे गया तभी मुझे एक ज़ॉम्बी दिखाई दिया जो मेरे पीछे लग गया था
तो मैंने उसे उड़ा दिया। बाद में डे 26 होते मैंने एक काऊ को ब्रीड किया। डे 27 होते ही मैंने शुगर केन को यहाँ पर कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी हमें शुगर केन की भी ज़रूरत पड़ने वाली थी। और डे 27 की रात मैं सीधा चला गया अपने घर। डे 28 की सुबह पे मैंने सीधा बनाया एक एन्चेंटिंग टेबल। बाद में मैंने थोड़ी सी बुक शेल्फ बना ली और उसे प्लेस करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। डे 29 की सुबह मैं सीधा चला गया डायमंड को लेने। अपने पास 42 डायमंड आ गए थे, तो मेरा आधा आर्मर कंप्लीट करके मैंने एक बनाई अपने लिए एक डायमंड स्वर्ड। डे 13 पे मैं सीधा चला गया लेपिस लजुली लेना। बाद में मैंने उन सारे डायमंड के टूल्स को यहाँ पर एन्चेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। डे 31 पे मैं सीधा चला गया नेदर पोर्टल। वहाँ पर जाके मैं सीधा चला गया एंडरमैन को मारने के लिए। एंडरमैन को मार के मैं सीधा चला गया अपने घर पे। डे 32 पे मैंने तैयारी कर दी अपने एंड सिटी जाने की। और बाद में मैंने अपने फार्म पे थोड़ा सा काम कर लिया, जो कि था सीड लगाना। तो मैंने सीड लगाना काम स्टार्ट कर दिया। और वहाँ पर मैं सीड लगा रहा था तभी मुझे एक ज़ॉम्बी दिखाई दिया, जो कि मुझे मारने लग गया था। वहाँ पर मैं जैसे तैसे करके बच गया। डे 33 और डे 35 तक मैंने अपना एंड पोर्टल ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। और बाद में मुझे एंड पोर्टल के ऊपर ही गोल्ड मिल गया, तो मैंने गोल्ड को पहले कलेक्ट किया। बाद में मैं एंड पोर्टल चले गया और वहाँ पर मैंने बहुत सारे बेड भी बनाए। और वहाँ पर लाइब्रेरी थी, तो मैंने लाइब्रेरी से थोड़ी सी बुक शेल्फ को तोड़ के मैंने बुक को कलेक्ट किया। और बाद में मैंने अपने एंड पोर्टल को एक्टिव किया और खाना खा के सीधा मैं कूद गया उसके अंदर। वहाँ पर जाते ही मैंने सीधा स्टार्ट कर दिया अपना एंड क्रिस्टल को तोड़ना। डे 37 पे भी मैंने अपने एंड क्रिस्टल को भी तोड़ना स्टार्ट रखा। और बाद में मैंने ड्रैगन को एरो मारे बट उसे लग ही नहीं रहे थे, तो मैंने उसे स्वर्ड से और अपने डायमंड एक्स से भी मारना स्टार्ट कर दिया था। डे 38 पे मैंने जैसे तैसे करके ड्रैगन को मार दिया और उसकी सारी की सारी एक्सपी को मैंने यहाँ पर कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। डे 39 पे मैं सीधा चला गया एंड सिटी के लिए, जहाँ पर मैंने एंड सिटी को मतलब यहाँ पर एंड शिप को स्टार्ट कर दिया ढूंढना। डे 14 पे मुझे मिल गई थी फाइनली एंड शिप, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारा ब्लॉक लगाना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर कुछ अलग ही प्राणी था जो मुझे उड़ा रहा था, मतलब उसने मुझे उड़ा दिया था। मुझे पता नहीं था ये कौन है, मैं डर गया था एक समय पे। डे 41 पे मैं जैसे तैसे करके अंदर चला गया और चेस्ट लूट के मैंने इलाइट्रा को कलेक्ट किया और सीधा चला गया अपने वर्ल्ड पे। डे 42 पे मैं चला गया अपने घर पे। बाद में मैंने इलाइट्रा की उड़ान भर के सीधा चला गया अपने नेदर पोर्टल पे।
डे 43 पे मुझे यहाँ पर थोड़े से एंशिन डेब्रिस दिखाई दिए, तो मैंने एंशिन डेब्रिस को यहाँ पर काटना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर 3 एंशिन डेब्रिस थे मेरे पास। डे 44 पे मुझे और भी बहुत सारे यहाँ पर एंशिन डेब्रिस दिखाई दिए, तो मैंने उसे भी तोड़ना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर थे टोटल 5-6 हो गए। और बाद में डे 45 पे मुझे और 2 यहाँ पर एंशिन डेब्रिस दिखाई दिए, तो मैंने उसे भी तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। डे 46 पे मैं चले गया अपने घर पे। बाद में मैं अपने घर पे चले गया था, तभी यहाँ पर एक पिग जैसा एनिमल आ गया था। बाद में डे 47 पे मैंने अपना कीमती सामान जैसे कि इलाइट्रा और फॉर्चून 3 के पिकेक्स उसको यहाँ पर रख दिया था अंदर, और फ्लिंट को भी। बाद में मैंने बनाया नेदर इनगट और बहुत सारे नेदर इनगट बनाया। बाद में स्मिथिंग टेबल बनाया 48 पे, एंड उसको प्लेस करके अपना सीधा का सीधा डायमंड का टूल्स अपने नेदरराइट पे यहाँ पर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर अपना आर्मर भी उतार के मैंने यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर नेदर इनगट कम थे, तो मैंने और भी नेदर इनगट बनाए। डे 49 पे मैंने और भी गोल्ड बनाया, और बाद में अपने पास नेदर स्क्रैप भी थे, तो मैंने और भी नेदर इनगट भी बना लिया। और मैंने अपना फाइनली डायमंड का आर्मर को अपने नेदरराइट के आर्मर पे यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया था। डे 50 होते ही मैं सीधा चले गया वुड काटने के लिए, अपने बुक शेल्फ बनाने के लिए यहाँ पर वुड काटना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने ओक प्लैंक बना के सीधा चले गया अपने घर पे। बाद में चारों के चारों मैंने अपने बुक शेल्फ को यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर दिया था। डे 15 की रात में सो गया।